नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति और फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। एनसीपी की बैठक में नेताओं का शरद पवार पर भरोसा, अजीत पवार ने मीटिंग को बताया गैरकानूनी। पायलट के रोल पर हाईकमान करेगा फैसला, दिल्ली बैठक में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की नसीहत, किसी नेता ने बयानबाजी की तो होगी कार्रवाई। मोदी मंत्रिमंडल में जल्द होगा बदलाव, सुशील मोदी रविशंकर प्रसाद बन सकते हैं मंत्री, उन्हीं नेताओं को मौका मिलेगा जिनकी वोटर्स में होगी पकड़। मणिपुर में स्कूल के बाहर महिला की गोली मारकर हत्या, एक दिन पहले खोले गए 8वीं तक के स्कूल, इंटरनेट सर्विस पर बैन 5 दिन बढ़ा। केदारनाथ में शादी के लिए प्रपोज किया, वीडियो वायरल, बद्री केदारनाथ समिति बोली श्रद्धालुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पुलिस बोली एक्शन लेंगे। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में बच्चों की मौत पर हंगामा, परिजन बोले खराब दूध से मर रहे मासूम, दो बच्चों की हुई मौत। मुख्यमंत्री शिवराज ने पेशाब कांड पीड़ित आदिवासी के पैर धोए, हाथ पकड़कर सीएम हाउस ले गए, आरती उतारी और बोले माफी मांगता हूं। रीवा में आजीवन कारावास का कैदी फरार, केंद्रीय जेल से पैरोल पर गया कैदी, नहीं लौटा वापस, आरोपी सहित जमानतदार के खिलाफ प्रकरण दर्ज। फेस्टिवल सीजन में रेलवे की सौगात, कानपुर सेंट्रल से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक चलेगी स्पेशल ट्रेन, लगाएगी 13 फेरे। आदिवासियों के बाद अब अनुसूचित जाति वर्ग को साधने में लगी बीजेपी, 53,000 गांवों में पहुंचेगी संत रविदास यात्रा, 17 महीने से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों को कांग्रेस का समर्थन, कहा सरकार आई तो 3 महीने में मिलेगी नियुक्ति।